कि हमें अगर इसे खून से भी लिखना पड़ता तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी भारत सेना से बहुत प्यार करते हैं और अपने देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम सब मिलके सब सपोर्ट करें, उम्मीद करें कि इंडिया टीम वर्ल्ड कप लेके आए, क्योंकि बहुत साल हो चुका है और हम सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इंडियन टीम को। इंडिया मैच जीतने से एक सबको मैसेज दूंगा, छोटा सा मैसेज कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। कल हारा हुआ मैच जैसे इंडिया खींच के लाई है पाकिस्तान के मुंह से, तो वही कहूंगा सबको कि कुछ भी काम है, कोई भी पॉसिबल, सब काम पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल है। हम सारे भारतवासियों को एक ही मैसेज दूंगा कि हमारी इंडिया टीम को सपोर्ट करें। और अगर हार, देखो ये गेम होता है, हर तरीके का गेम होता है, उसमें हार जीत लगी रहती है, तो अगर हार भी जाती है तो इसको इंडिया टीम को हम उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, डीमोटिवेट नहीं करना, हमको मोटिवेट करना। इसलिए हम इसी खुशी में, कल की जीत की खुशी में, आज हमने 12.5 किलोमीटर करी है, और यही इंडिया को मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ कि इंडिया को सपोर्ट करो, सपोर्ट करो वर्ल्ड कप में, और हम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के ही रहेंगे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर, और ये सड़क वही है जो कभी राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब इसको कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से देश भर में आज दिवाली खुशियां लेकर आ रही है लोगों के घरों में, और आपको बता दूं इसमें इंडिया टीम ने एक दिन पहले ही देश भर में दिवाली का आगाज कर दिया था। एक अनोखी पहल और एक अनोखी कहानी आपको रूबरू कराता हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम वो नौजवान हैं जो इंडिया की जीत के खुशी में अभी 12 किलोमीटर रनिंग करके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिया को मार्च कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप तमाम लोगों के दिल पर आई लव इंडिया और जय हिंद क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग। हम चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी खुशी है, क्योंकि हमारा वो मैच जीते हैं जो हम बिल्कुल हार गए थे, और हम सारे देशवासियों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारा देश इतना अच्छा जीता, और हम बहुत सारे लोग जितने भी हैं हम लोग सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतना खुश हैं कि हम कल से ही सोच रखे थे कि हम जाएंगे इंडिया गेट पे और सेलिब्रेट करेंगे इंडियन टीम की जीत की खुशी। अच्छा, ये पूरी तैयारी पहले से ही थी कि इंडिया जैसी जीतेगी, हम लोग तमाम सब एक जगह के ही आप लोग? नहीं, जब विराट कोहली ने, जब उन्होंने 53 बॉल पे 82 रन मारा और दो अनबिलीवेबल शॉट खेला जो सिक्स गया, तो हम जब ही सोच लिए थे कि अब हमारा टीम जीतेगा और हम इसको सेलिब्रेट करेंगे इंडिया गेट पे जाके। खुशी मनाने का लोगों का अलग अलग तरह का अलग अलग तरीका होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दिन पहले जैसे ही कल इंडिया जीतती है और उसके बाद लोगों में मिठाइयाँ मनाई बांटी गई, यानी लोग दिवाली भी मना रहे थे एक तरफ, होली भी मना रहे थे, और एक ये देशभक्ति अब जो रिप्रेजेंट कर रहे तमाम ये नौजवान, क्या मैसेज देंगे? किस प्लेयर से उम्मीद थी आपको कि कौन जो है इंडिया को जीता के ले जाएगा? जिससे उम्मीद थी उसी ने कल खरा उतरा। हम पिछले 3 दिनों से न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने प्रैक्टिस सेशन में जितना अच्छा किया कल उन्होंने उसका रिजल्ट भी दिया। विराट कोहली को दिल से सल्यूट है। कल उन्होंने जो मतलब इंडिया टीम का जो मेन प्लेयर है तो उन्होंने अपना कर्तव्य अदा किया कल। अच्छा, आप लोग मानते हैं विराट ने एकदम विराटता दिखाई है? बिल्कुल मानते हैं, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विराट को, और बहुत इसके लिए हमें 100 किलोमीटर भागना पड़ेगा, हम भागेंगे और सेलिब्रेट करते रहेंगे इस जीत को। तमाम नौजवानों में ये खुशी और ये जोश और ये जुनून इंडिया को मजबूत करता है, और इंडिया की जीत और इतनी बड़ी जीत जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि शिकार के मुंह से छीन कर ले आना, मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। विराट कोहली ने बहुत अहम भूमिका निभाई अपनी मैच के लिए, जो उन्होंने खेला है मैच बहुत अच्छा मैच खेला है कल का। पाकिस्तान की अगर हम बात करें जिस तरीके से उनके खिलाड़ी, कहीं ना कहीं वो लग रहा था उनको कि हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ से उनको खुशी मना रहे थे 2 ओवर पहले मैच कि हम जीत चुके हैं और मैच बहुत हल्के मिले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था विराट कोहली उन पर अकेला भारी पड़ जाएगा, यानी शिकारी को हमने रोटी दिखा के छीन लिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दिवाली का गिफ्ट देके उसे वापस ले लेना, वो हिसाब हुआ है कल पाकिस्तान के साथ। और हम सब 130 करोड़ लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती, और हम लोग इतने खुश हैं कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली, और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग साकेत से आए हैं, साकेत से इंडिया गेट, सिर्फ इंडिया टीम की जीत के लिए हम सेलिब्रेट करने आए हैं। रनिंग करते हुए आए हैं। नॉन स्टॉप 55 मिनट में हम लोग आ गए यहाँ पे, बस सिर्फ इसीलिए कि हमारा टीम जीता है। क्या बात है, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। साकेत से आए हैं जो कि कितना किलोमीटर बताया आपने? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की रनिंग और नॉन स्टॉप रनिंग थी ये, कहीं पे रुके नहीं और कंटिन्यू दौड़ना और साकेत से इंडिया गेट पहुंचना और अपनी खुशी जाहिर करना,
ये अपने आप में एक अहम कहते हैं कि योगदान है देश के लिए। और यहाँ पर कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 17 साल उम्र है। अच्छा, तो आप लोग सेना की तैयारी वगैरह तो नहीं कर रहे? ये ऑलरेडी भर्ती मार चुका है एक्सीलेंट, और हम लोग एथलीट हैं। और सिर्फ कभी हमें इतना खुशी नहीं हुआ जितना कि कल के मैच में हुआ, और इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकता था हमारे लिए। हमें रुका ही नहीं गया, हम तो सुबह की वेट कर रहे थे कि कैसे सुबह हो जल्दी और हम रनिंग स्टार्ट करें और सेलिब्रेट करें अपनी जीत। अच्छा, जो रूटीन वे में आप लोग रनिंग करते होंगे वो कहीं ना कहीं आज आप इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ किलोमीटर बढ़ा भी दी गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो ये लोग तमाम वो जवान हैं जो सेना की प्रैक्टिस करते हैं दौड़ के लिए और रनिंग करते हैं, और आज इंडिया की खुशी जो जीत की खुशी में इन्होंने अपनी रनिंग बढ़ाई है और नॉन स्टॉप इन्होंने रनिंग की है। और यहाँ पे सबसे कम उम्र के लगते हो मुझे आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। तैयारी कर रही है? हाँ है? मैं एथलेटिक के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम देशवासी ऐसे जवानों को बाहर निकालिए जो प्रतिभाशाली हैं। 17 साल की उम्र है और अभी से जोश और जुनून ये बयां करता है कि ये गोल्ड मेडल ज़रूर लाएंगे। और मैं उदय भारत न्यूज़ यही कहता है कि आप ज़रूर लाएंगे गोल्ड मेडल। इंडिया की जीत की खुशी में क्या कहेंगे? इंडिया की जीत की खुशी में ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की जीत की खुशी में देख सकते हैं चेहरे पे मुस्कान जो ये है बयां कर रहा है कि जीत तो आखिर जीत होती है, चाहे वो एक रन से हो या एक विकेट से हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा कल जैसे ही मैच जीत का ऐलान हुआ और वहीं से भारत माता की जय लगी। और अच्छा, एक सवाल और आप लोगों से, सभी से कॉमन सवाल है, विराट ने अपनी विराटता दिखाई, क्या लगता है मैच की जो शुरुआती दौर थी कहीं ना कहीं वो मायूसी हम छा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो एक बार सोच के बैठ गए कि अब बस औपचारिकता बची है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस टीवी चलने दो। फिर जब हमें विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का जब स्टार्टअप जब उन्होंने पार्टनरशिप करी, उसके बाद जो उन्होंने दिखाया कि हमारे पीछे 130 करोड़ और हम किसी को मायूस होने नहीं देंगे, अपनी पूरी दम, कहीं ना कहीं इसमें ऊपर वाला का भी हाथ है और उन्होंने जीत दिलाई आखिरकार, हम सब बहुत ज़्यादा खुश है, इतना खुश है कि बोला भी नहीं जा रहा हमसे, इतना ज़्यादा। अच्छा, ये मैसेज देंगे कि कई बार क्या होता है हमें अहंकार हो जाता है कि यार हम तो जीत रहे हैं, ये पाकिस्तान जिस तरीके से उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि हम जीत रहे हैं और कहीं हल्के में ले गए इंडिया को। हाँ हल्के में ले गए, लेकिन वो भी अच्छी टीम है, बट हम यही कहते हैं कि बस इंडिया जीत जाए और पूरा वर्ल्ड कप में अच्छा करे और इंडिया जीत के आए, बस हम यही। बिल्कुल, तमाम 125 करोड़ देशवासियों का यही कहना है और यही एक उम्मीद है इंडिया से कि इंडिया विश्व कप इस बार अपने नाम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ उदय भारत न्यूज़ दिल्ली। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।